हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू चैम्प लाइव क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि अपने रिपब्लिक डे है 26 जनवरी को, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और आज की अब जो रिपब्लिक डे पे अपने चीफ गेस्ट कौन से होने वाले हैं, ये अपना 17th रिपब्लिक डे जो अपन मनाने जा रहे हैं। भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भी देश राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है। इस बार जो अपने 2019 के जो गणतंत्र दिवस पे हैं, जो अपने मुख्य अतिथि होने वाले हैं, वो हैं अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामासोफ। वो हैं जो अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं इस साल। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रामासोफ के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सेपो मोसेफ भी और 9 मंत्रियों सहित उच्च स्तर के प्रतिनिधि मंडल, वरिष्ठ अधिकारी और 50 सदस्य के व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल भी होगा उनके साथ। तो रामफोसा हैं जो उनकी पत्नी के साथ, और 9 अलग जो मंत्री हैं उनके साथ, और वरिष्ठ अधिकारी और 50 अलग जो व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल है उसके सदस्य भी इस जो रिपब्लिक डे है सेवनटीन्थ जो अपना रिपब्लिक डे है को अपने चीफ गेस्ट मतलब कि अपने गेस्ट होने वाले हैं। नेल्सन मंडेला के बाद वे दक्षिण अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रपति होंगे जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे भारत के। इस बार गणतंत्र दिवस में 90 मिनट की परेड होगी। देश में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है हर साल। ये परेड 8 किलोमीटर की होती है और इसकी शुरुआत रायसीना हिल से होती है। इसके बाद राजपथ इंडिया गेट होते हुए लाल किला पर समाप्त होती है। कैसे होता है तो जानते हैं कि किस तरह जो है मुख्य अतिथि का चयन किया जाता है। तो हर साल जो गणतंत्र दिवस या अपने जो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो अपने कोई ना कोई मुख्य अतिथि ज़रूर होते हैं। तो किस तरह से इनका चुनाव होता है वो भी जान लेते हैं। समारोह के लिए मुख्य अतिथि कौन होंगे, इसका फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद किया जाता है। मुख्य अतिथि को लेकर फैसला भारत के राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर भी किया जाता है। विदेश मंत्रालय MEA भारत और उसके करीबी देश के बीच संबंधों को ध्यान में रख के कई मुद्दे पर विचार करता है, और जो अपने मतलब किस तरह अपने लिए राजनीतिक हित में हो सकते हैं जो भी अपने गेस्ट आते हैं, तो और किस तरह से जो है मतलब कि अपने देशों से अपन बना के रखना चाहिए, जो पड़ोसी देश हैं या फिर जो दूसरे देश हैं जिनसे अपने भारत का विकास हो और वो अपनी सहायता कर सके। जिसके बाद मुख्य अतिथि को नियंत्रण किया जाता है। कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है, इनसे राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध मतलब कि हर तरह से किस तरह से अपन को सहयोग मिल सकता है और अपने लिए किस तरह से अपने देश के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इन सब चीज़ों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो MEA इस पर विचार करते हैं, यानी विदेश मंत्रालय इस पर विचार करता है, और उसके बाद ही अतिथि को निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री की मंजूरी ली जाती है, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन की मंजूरी ली जाती है। और मंजूरी मिलने के बाद जिस देश के व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में चुना जाता है, उस देश में भारत के राजदूत अतिथि की उपलब्धता का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से बातचीत शुरू होती है और अतिथि के लिए निमंत्रण भेजा जाता है। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि अन्य देशों की रुचि और अतिथि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। तो जो भी किस तरह से होता है मतलब कि इनको किस तरह से चुना जाता है, एक तो सारे राजनीतिक हित अपने देखे जाते हैं, किस तरह से अपने देश के लिए सहयोग मिल सकता है या फिर अपन किस तरह से अपने हर तरह से सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इनको एक लिस्ट बनाई जाती है। उसके अकॉर्डिंग जो है विदेश मंत्रालय फिर प्रधानमंत्री जी से अपनी मंजूरी लेते हैं और फिर राष्ट्रपति भवन से इनकी मंजूरी ली जाती है, और उसके बाद में इस पर कार्य करते हैं भारत के जो राजदूत हैं अतिथि की मतलब कि उसके उस देश से बातचीत करते हैं कि वो जो है नेता वो जो भी हैं वो उस टाइम अवेलेबल हैं नहीं अवेलेबल हैं या किस तरह सारी चीज़ें जो ध्यान में रख के फिर जो इसका फाइनल डिसीजन होता है। तो पहले जो फर्स्ट अपने जो रहे थे कौन थे, अपने 1950 में राष्ट्रपति सुकर्णो, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे सुकर्णो, वो अपने फर्स्ट जो अतिथि रहे थे मुख्य अतिथि रिपब्लिक डे पे। और 2018 में जो आसियान की जो जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ के जितने भी लोग वो जो वहाँ से 10 जो कंट्रीज थे उनके वहाँ से प्रतिनिधित्व में भाग लिया था। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रायुत चान ओचा, म्यांमार के सर्वोच्च नेता आंग सॉन सू की, ब्रेने के सुल्तान हसन अल बोल्किया, कंबोडिया के PM हुन सेन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शियन लंग, मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक, वियतनाम के प्रधानमंत्री ग्नुएन सयान फक, लाओस के प्रधानमंत्री थोंग स्लोन सिसोलित, फिलीपींस के राष्ट्रपति ड्रिगो दुतेर्ते, ये जो ओशन कंट्रीज के जो भी
प्रतिनिधि थे उन्होंने वहाँ के उन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया था लास्ट टाइम 2018 में 26 जनवरी को, और इस साल जो है अपने अफ्रीका के राष्ट्रपति भाग लेने जा रहे हैं। तो ये थे इस रिपब्लिक डे पे कुछ भी अगर मतलब इनसे आपके क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं, थोड़ी जनरल नॉलेज अपन को होनी चाहिए। तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू अगेन, थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर।